हेलो माय डियर फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़ यू हाउ नॉट सब्सक्राइब इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस के और इसमें हम डिस्कस करेंगे सैलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सैलियंट फीचर हैं तो अगले एक घंटे में हम ये थर्ड चैप्टर कवर करेंगे तो आप जम के बैठिए और सुनते जाइए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए यूनिक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब इस जैसा कोई नहीं है इन इट्स कंटेंट एंड स्प्रिट जो इसका कंटेंट है और इसकी भावना में दो बोरोड फ्रॉम दी आलमोस्ट दो मतलब यद्यपि इसको बोरो किया गया है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सैलेंट फीचर इसके बहुत सारे सैलेंट फीचर हैं द डिस्टिंग जो इसको अलग दिखाते हैं फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री बहुत सारे फीचर ऐसे है हैं जो इसको अलग दिखाते हैं बहुत सारे कंट्रियों के वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से इट शुड बी नोटेड यह पॉइंट नोट करने का बात है कि एट द आउट सेट दट ए नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडोप्टिड इन नाइनटीन फोटी नाइन हैव अंडरगोन ए सबस्टानशियल चेंज मतलब जो उन्नीस में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें अडॉप्ट किया था उसमें बहुत सारे चेंज हो गए ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए पर्टिकुलरली सातवा अमेंडमेंट हुआ बयालीसवां हुआ चौलीसवां हुआ हुआ चौहत्तर नाइन्टी सेवन वन जीरो वन इनफैक्ट द फोटी सेकेंड जो अमेंडमेंट है उन्नीस सौ छिहत्तर में जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है ड्यू टू इम्पोर्ट एट लार्ज नंबर ऑफ चेंजेज मेड बाई इट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंज कर दिए थे इसलिए वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है हाउ एवर जबकि हालांकि द केशवानंद भारती केस 1973 आपको पता है कि केशवानंद भारती जी की डेथ हुई थी थोड़े दिन पहले तो और जो केशवानंद भारती ने केस के था ruled that, ruled किया था उन्नीस में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रूल किया द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 सिक्सटी एट डज नॉट एलेबल मतलब उसे पावर नहीं देती है इट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वैसे ही बनी होनी चाहिए अमेंडमेंट हो सकता है पर जो मूलभूत आधार आधार है बेसिक स्ट्रक्चर का उसमें चेंज नहीं होगा हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई बट कुछ जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है तो आगे चलते हैं सैलेंट फीचर क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू टू रिटन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश में अगर इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आप कहीं लिखा नहीं गया उसको so कॉडिफाइड नहीं किया गया है तो वो जस्ट जजमेंट आते हैं उसके बाद एड होता चला जाता है उसमें बट अमेरिका का क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथियस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखे गए में से सबसे बड़ा है इट इज़ ए वेरी कम्प्रेंसिव मतलब पूरा इसमें डिटेल में दिया गया एलोबरेट एलोबरेट किया गया डिटेल डॉक्यूमेंट है उन्नीस में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन है प्रीएम्बल प्रीएम्बल क्या है उन्नीस में जो प्रस्तावना होती है प्री फेस होता है किसी भी बुक के आगे भी देखा होगा आपने इसमें तीन सौ पिचानवे आर्टिकल थे उसके उनको डिवाइड किया गया 22 पार्ट्स में एंड एट शेड्यूल में प्रेजेंटली 2019 थाउजेंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटली 2019 इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रीएम्बल अबाउट फोर आर्टिकल आज के टाइम में 2019 की बात है कि भाई 470 तो आर्टिकल हो चुके हैं डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हो गए हैं तो ये इंक्रीज हो गए हैं द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरीड आउट सिंस 1951 1951 से बहुत बार संशोधन किए गए इस विधान में हैव डिलीटेड अबाउट ट्वेंटी आर्टिकल डिलीट भी कर दिए गए बीस आर्टिकल एक पार्ट भी डिलीट कर दिएगा सातवां एंड एडिड नाइन्टी आर्टिकल्स उसमें एड कर दिए गए फोर पार्ट कर दिए गए एड एंड फोर शेड्यूल भी ऐड कर दिए गए नौ से बारह तक नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एज सो मैनी आर्टिकल शेड्यूल मतलब सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये फीचर एस एलियंट फोर फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड द एलिफेंटाइज एलिफेंटाइज मतलब हाथी की तरह मोटा कर दिया इसको उस कॉन्स्टिट्यूशन को बुक को जो ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब जियोग्रफी है क्योंकि अलग अलग जोग्रफी है अपनी इंडिया की दैट इज़ वास्टनेस बहुत बड़ा है ऑफ़ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी फाइव वल की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव बहुत बड़ा था उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस पे सी क्या है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स से एक सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है स्टेट का और सेंटर का और डी क्या है डोमिनेंस ऑफ दीगन लीगल लीगल लूमिनरीज मतलब जो एमिनेंट पर्सनैलिटी थे लुमिनरीज थे उनका डोमिनेंस था इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस बट डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत इसमें गवर्नेस की हैं ही हैं उसमें डिटेल एडमिन कैसे करना है उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है प्रोविजन भी दे फर्दर दो मैटर विच इज अनदर मोदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट ऑन दर्डनरी लेजिस्टेशन और एस्टैब्लिश पोलिटिकल कन्वेंशन हैव बीन आल्सो इन्क्लूडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट इट सेल्फ इंडिया जो कन्वेंशन पीछे से परंपरा चली आ रही थी उनको भी एड कर दिया इसलिए बल्कि ही हो गया है तो सेकंड फीचर क्या है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया आपको पता कि बहुत सारे लगभग सिक्सटी एट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े गए थे उसके बाद ही ये बनाया गया था तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड मोस्ट ऑफ दि इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइन्टीन थर्टी फाइव उन्नीस सौ पैंतीस के ला का तो इन्फ्लुएंस है ही बट बहुत सारे कंट्री से हमने बोरो भी किए हैं जैसे राइट्स हैं यू एस ए से लिए हुए हैं या तो ऐसे ऐसे जर्मनी से हमें अमेंडमेंट लिए हुए हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राउडली अक्लेम्ड मतलब तो उन्होंने प्रशंसा की दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैन सेकिंग ऑफ रैन सेकिंग होता है कि भाई छाटना सब कुछ उसको अलग अलग करके ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द वर्ल्ड उनमें से छाट छाट के बनाया गया है द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एट लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव तो उन्नीस के एक्ट से निकाला गया है द फिलोसिफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स एंड डी पी एस पी डिराइव द इंस्पिशन फ्राम द अमेरिकन एंड आयरश तो डी पी एस पी है जो आयरसिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं अमेरिकन से फंडामेंटल राइट right लिए गए हैं रिस्पेक्टिवली द पोलिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जो पोलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो एक्जीक्यूटिव और लेजिलेटिव का रिलेशन भी क्या है ब्रिटिश इंग्लैंड पार्लियामेंट से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यू फ्रांस साउथ अफ्रीका जापान एंड सोन बहुत सारे कंट्रियों से लिया गया है द मोस्ट प्रोफाउंड मतलब बहुत प्रसिद्ध इन्फ्लुएंस किसका हुआ है मेटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन उसका ज़्यादा असर हुआ है द फेडरल स्कीम जो मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में फेडरल रिलेशन है उनके जुडिशरी है गवर्नेंस हैं इमरजेंसी पावर्स हैं द पब्लिक सर्विसज कमीशन है जो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू बियर ए क्लोज रिजेंबलेंस टू द एक्ट 1935 तो आधे से ज्यादा प्रोविजन तो 1935 के एक्ट सेट निकलते हैं जो कि अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था थर्ड क्या क्रिटिसिजम है भाई ब्लैंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी मतलब ये इसका फीचर है क्रिटिसिज्म लगा लो तो ये रिजिडिटी है कई बार रिजिड भी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है ब्लेंड है मतलब मिक्स है जैसे आजकल ब्लेंड प्रोटीन आते हैं वैसे ही ब्लेंड है ये भी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो क्लासिफाइड इंटू रिजिड एंड ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट तो उसको अमेंडमेंट करने के लिए बहुत अच्छे प्रोविजन चाहिए तभी अमेंड होगा इसलिए रिजिट बोला गया फॉर एन अमेरिकन द कॉन्स्टिट्यूशन ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर इन द दर्डनरी लॉल में जिसमें सामान्य ला बनाए गए उसी तरह अमेंड किया गया तो उसको भी बोल दिया गया कि भाई ये फ्लेक्सीबल भी है फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाज द रिजिड नॉर फ्लेक्सीबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ दोनों का मिश्रण है आर्टिकल 368 सिक्सटी एट प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाई अ स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ़ द पार्लियामेंट मतलब टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ़ द मेबर्स जितने मेबर हैं उसके दो तिहाया अगर वोट डाल देंगे तो वो ला बन जाएगा अमेंड में हो जाएगा ईच हाउस ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजारिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस टोटल मेम्बरशिप के पचास परसेंट से ज़्यादा और टू थर्ड प्रेजेंट इन वोटिंग तो दोनों प्लस में होनी चाहिए तभी कोई रूल बनेगा दूसरा क्या प्रोविजन है सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स तो उसका जो है अमेंडमेंट होगा स्पेशल मेजोरिटी से तो होगा ही बट स्टेट्स की भी रिक्वायरमेंट है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स से भी रेटिफाइड होना चाहिए एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाई सिंपल मेजोरिटी नॉर्मल से अमेंड हो सकते हैं बाई द मैनर ऑफ ऑर्डनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम्स अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट तो ये बात जानने की है जो नॉर्मल ला से होंगे वो थ्री सिक्सटी एट के अंडर नहीं आएंगे जिसमें मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए या मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए वो थर्टी सिक्सटी एट के अंदर आते हैं अब फोर्थ फीचर क्या है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस मतलब फेडरल स्ट्रक्चर तो है बट यूनिटरी बाईस है इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम मतलब क्या होता है स्टेट की अलग पावर हो सेंटर की अलग पावर हो दोनों के एक दूसरे की डोमेन में न घुसे इट कंटेंस ऑल फीचर्स ऑफ द फेडराइज फेडरेशन विज कौन कौन से वीज मतलब नेमली क्या होता है नेमली क्या उनको नंबर देते कौन कौन से टू टू गोवर्मेंट द डिवीजन ऑफ पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरेलिज्म हाउ एवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्री एंड नॉन फेडरल फीचर यूनिट्री है और ना, ना कि फेडरल है वीज कौन से स्ट्रॉग सेंटर अगर सेंटर होगा तो आपको पता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सिंगल सिटीजनशिप है फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेटेड जुडिश्री है क्योंकि पता है आपको लोवर से ऊपर तक सारी जुडिश्री इंटीग्रेटेड है मतलब तो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हरकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई द सेंटर ऑल इंडिया सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो वन मोर ओवर द ट्रम्प फेडरेशन हैज़ नाउ बीन यूज इन दस्टिट्यूशन फेडरेशन क्या हैज़ नो वेयर कहीं भी यूज नहीं की गई फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वन ये क्वेश्चन बन सकता आपका आर्टिकल वन ऑफ द अदर हैंड डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल वन में क्या लिखा गया इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज टू थिंग्स वन इंडियन फेडरेशन इज नोट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाई द नहीं है जैसे यूएसए में है कि स्टेट यूनियन बनी है तो एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स है एंड द टू नो स्टेट हैज़ द राइट टू से सीड किसी भी स्टेट को अलग होने की फेडरेशन से आज्ञा नहीं है हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइबड एज द फेडरल इन द फॉर्म तो इसको फेडरल संघ यह बोला गया है बट यूनिटरी इन स्प्रिट स्प्रिट मतलब भावना में यूनिटरी है क्वाजी फेडरल भी इसको नाम दिया गया बाई के सी वियर तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्वाजी फेडरल किसने बोला था के सी वियर ने बोला था और बारगेनिंग फेडरलिज्म बोला था मोरिस जोन्स जोन्स ने क्या बोला बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब जैसे बार्गेन करते हो ना मोल भाव करते हो वैसे ही फेडरलिज्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था ग्रानविल ऑस्टिन के द्वारा और फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाई आईवोर जेविंग्स एंड सोन मतलब बहुत सारे ऐसे पोलिटिकल फिलोसफर हैं उन्होंने ये बात कही थी पाँचवा फीचर क्या है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ़ द रादर देन दी अमेरिकन प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से लिया गया ना कि अमेरिका के प्रेजिडेंशियल सिस्टम से द पार्लियामेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन चाहिए या कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन दी लेजिलेटिव जो लाभ बनाने वाले हैं और एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी ऑर्गन्स होते हैं वाइ द प्रेजिडेंशियल सिस्टम प्रेजिडेंशियल सिस्टम में क्या अपोजि होता है बेस्ड ऑन द डॉक्टर ऑफ सेफरे ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स प्रेजिडेंशियल सिस्टम में दोनों में बिल्कुल डिफरेंस होता है बट यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आपको पता है वही लेजिशन बनाते हैं वही एग्जीक्यूटिव काम करते हैं यहाँ पे द पार्लिया सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट पार्लिया सिस्टम को क्या बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गोवर्मेंट रिस्पॉन्सिबल गमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश द पार्लियामेंटरी सिस्टम नॉट ओनली द एट देंटर बट आल्सो इन द स्टेट्स तो फ्यूचर क्या क्या है द फ्यूचर ऑफ द पार्लियामेंट गवर्मेंट इन इंडिया आर प्रेजेंस ऑफ द नोमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव क्या नोमिनल भी एग्जीक्यूटिव है रियल एग्जीक्यूटिव है मेजोरिटी पार्टी रूल मेजोटी पार्टी जिस पार्टी मेजोरिटी में आएगी वही रूल करेगी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी जैसे आपको पता जो है जो एम पी होते हैं मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर तो मेंबरशिप होती है मिनिस्टर की लेजिस्लेचर में रू, 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 जो रूल बनाते हैं उसमें लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर लीडरशिप होती है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की रिजोलूशन ऑफ दी लोअर हाउस तो आपको पता है हर पाँच साल में रिजोलूशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता जा है तभी रेजोल्यूशन हो जाता है लोअर हाउस का इवन दो इंडिया पार्लियामेंट सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न ब्रिटिश पैटर्न पर हमारा पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से ले गए ब्रिटिश पैटर्न से देर आर सम फंडामेंटल डिफ्रेंसिज बिटवीन द टू फॉर एग्जाम्पल इंडिया पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरन बॉडी इंडिया पार्लियामेंट क्या है सोवरेन बॉडी नहीं है कि सब कुछ कर लेगी अपने आप जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड मतलब रिपब्लिक बोलते हैं उसको रिपब्लिक कंट्रीज को बोलते हैं जिसका इलेक्टेड हेड हो वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ ए हेरीडेटरी हेरीडेट्री मतलब वंशागत जो उसका बाप बना उसका बेटा बनेगा हेड मोनार की होती है वहाँ पे आपको पता हो वहाँ कोविन की डेथ हुई अभी इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम सो सिग्नीफिकेंट प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड क्रूशियल हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दट द पोलिटिकल साइंटिस्ट जो पोलिटिकल साइंटिस्ट ए लाइक टू कॉल ए प्राइम मिनिस्ट्रियल गोवर्मेंट तो उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को इसका छठा फीचर क्या है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशली सुपरमेसी सिंथेसिस मतलब दोनों का मिश्रण पार्लियामेंट की सोवरेनिटी होगी जुडिशियली सुपरमेसी होगी द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी विद द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल सुपरमेसी अपना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है बहुत सारी चीज़ों का तो जुडिशियली सुपर हमने ले ली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट सुपर सोवरिनेटी हो ले ली हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से जस्ट एन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम द स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोन ऑफ दट एग्जिस्ट इन मतलब जुडिशल रिव्यू की पावर भी अपनी नैरो है यू के मुकाबले में दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेशन को मान लो लॉ गलत है सज़ा मिलेगी किसी आदमी को तो लॉ को भी देखा जाएगा ये ठीक है या गलत है तो उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और हमारे इंडिया में क्या फॉलो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ मतलब लेजिस्लेशन ने जो रूल बना दिए है उस पर फैसला दे देगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे रिमोनरेशन या विचार विमर्श नहीं होगा कि लॉ गलत है ठीक है उसके हिसाब नहीं देखा जाएगा बट जो लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में ट्रायल होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जो अंडर आर्टिकल ट्वेंटी Therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy. The Supreme Court, on the other hand, one hand can declare the parliamentary laws and constitutional parliamentary law, Supreme Court Kaibar on Constitutional SM Dhanik Batadeta through its power of judicial. Review. The parliament, on the other hand, can amend the major portion of the constitution through constituent power. तो वो अमेंड कर सकती है आर्टिकल थ्री सिक्सटी के अंडर के अंडर और जुडिशरी जुडिशल रिव्यू करके उसको स्टक डाउन भी कर सकती है सेवन सेलियंट फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एज जुडिशल सिस्टम दैट इज़ इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट इंटीग्रेट का मतलब ये होता है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट एक हेरारिकल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं जिसके थ्रू मतलब एक प्रोसीडिंग्स होती है अगर पहले आपको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा फिर हाई कोर्ट में और फिर, कोर्ट में और फिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट में

अनलाइक इन यू एस ए यू एस ए में डिफरेंट तरह के हैं क्योंकि हर स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है वेयर द फेडरल लॉज आर इन्फोर्स बाई द फेडरल जुडिश्री यू एस ए में क्या होता है फेडरल लॉज होते हैं जो फेडरल जुडिशरी के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इन्फोर्स किए जाते हैं स्टेट लॉज आर इन्फोर्स बाय द स्टेट जुडिश्री द सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या है फेडरल कोर्ट है द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस्ट प्रोविजन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी ऑफ टेन ओवर ऑफ द जजेज फिक्स सर्विसिज कंडीशन फॉर द जजेज ऑल द एक्सपेंसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कॉन्सोलेटेटिड फंड ऑफ इंडिया मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इनके लिए जो कोई बिल नहीं लेकर आना पड़ता है दिट इज कंपल्सरी एंड वी हैव टू विदड्रा मनी फ्रॉम द कन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया प्रोविशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेज इज द लेजिस्लेचर बैन ऑन पार्टिसिपे प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट

राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट के बीच में कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी इज अंडर आर्टिकल थर्टी टू द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर द प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब पोलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं मीन्स डेमोक्रेसी सिस्टम दट वेयर पीपल आर इलेक्टिंग देयर लाइक लीडर और पोलिटिशियन दे ऑपरेट एज लिमिटेशन एज दी ऑन दी टेरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ मतलब टेरिनी क्या है कि डिक्टेटर न बन जाए जो भी लीडर है वो डिक्टेटर ना बन जाए वो क्या एग्जीक्यूटिव डिक्टेटर ना बन जाए या आर्बिट्री जो विवादापूर्ण लॉ हैं उनके ऊपर एक मान लो लिमिटेशन रखता है ये डेमोक्रेसी ऑफ द लेजिस्चर दे आर जो जस्टिसएबल इन नेचर मतलब क्या है फंडामेंटल राइट जस्टिसएबल हैं जस्टिसबल कैसे हैं क्योंकि अगर उनका वायलेशन होता है तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं दे आर एन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स फॉर द वायलेशन मान लो वायलेशन होता है तो इन्फोर्स करवा सकती है कोर्ट उनको द एग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट मान लो अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट right का वायलेशन है तो आर्टिकल थर्टी टू के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल टू टू सिक्स के अंदर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं एंड Which can issue writs of habeas corpus. These writs are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto for the restoration of the rights. And if you are knowing about the, these writs, you can comment in the comment section so that you can enhance your knowledge, or other viewers also can watch such type of knowledge of yourself. Means spread of knowledge is compulsory for the increasing of your knowledge. However, jabki the fundamental rights are not absolute. फंडामेंटल राइट क्या है एब्सिलूट नहीं है सब्जेक्ट्स टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू मतलब उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है रीजनेबल कोई लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है फर्दर दे आर नॉट सेक्रोसेंट सेक्रोसेंट मतलब ये नहीं है जैसे भगवान का फतवा बोलते हैं कि ये यही मतलब पूरा इससे ऊपर नहीं है ये सेक्रोसेंट नहीं है एंड कैन बी कार्टेल इनको कार्टेल किया जा सकता है कम किया जा सकता है एंड रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट they can also be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by the article 22 and 21 to so, emergency ke alawa ye suspend kiye ja sakte hain kisko chhod ke article 20 aur 21 to emergency ke time pe bhi rahenge to article 21 hota hai right to life और ये क्या है article ट्वेंटी क्या रहता है कि आपको arrest करेंगे तो आपको warrant दे arrest अरेस्ट करेंगे ऐसे नहीं कि बिना रीज़न के अरेस्ट कर लिया जाएगा तो नाइन्थ फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं डीपीएसपी नोवल फीचर हैं ये ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे नोवल है दे आर एनुमरेटेड एनूमरेटेड मतलब इनको अंकित किया गया है कि इसमें पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी क्लासीफाइड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज सोशलिस्ट गांधीन एंड लिबरल इंटलेक्चुअल डी पी एस वी आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और सोसाइटी में भी इट इक्वल स्टेट पोजिशन पर रहने चाहिए आदमी दे सीक टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया वेलफेयर स्टेट मतलब इनकी डिमांड क्या होती है डी पी एस पी कि भाई ये वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं मान लो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी पर टैक्स लगा दिया दूसरे को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए उसको कर दिया However, unlike the fundamental फंडामेंटल राइट्स directive डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर justiciable जस्टिसबल नेचर नॉट जस्टिसएबल नेचर है क्योंकि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते मींस बोलते ना कि सबके पास एक जैसा धन होना चाहिए अगर वायलेशन हो रहा है तो फिर भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते दे आर नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्स ऑफ देर वायलेशन यट द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ डिक्लेयर दैट दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिसिपल इन मेकिंग लॉज क्योंकि आपको पता है कि पाँच साल में ये मैंडेट है कि आपके पास वो वोट मांगने आएंगे तो अगर वो डी पी एस पी को लागू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे हैज़ दे इम्पोज ए मोरल ओब्लीगेशन मॉरल ओब्लीगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटी फॉर देयर अपलीकेशन मॉरलिटी का ओब्लीगेशन रहता है पॉलिटिशन पर कि उनको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है बट द रियल फोर्स और सेंक्शन बिहाइंड दैम इज़ पोलिटिकल दैट इज पब्लिक ओपिनियन नेक्स्ट है कि ये चीज़ कैसे हुई मिनोरा मिल केस है उन्नीस सौ अस्सी का तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब नेक्स्ट पे चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसने डिड नॉट प्रोवाइड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जब हमारा संविधान बना उन्नीस सौ उनचास में वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी दिज वॉर एडिट ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी एमरजेंसी के दौरान उन्नीस सौ पचहत्तर से सतहत्तर के बीच में बाई द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सौरन सिंह कमेटी उन्नीस सौ छिहत्तर में ड्यूटी लेके आए सौरन सिंह कमेटी के बेस पर आपको याद रखना है एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ टू थाउजेंड टू एडिट वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी छियासी माँ जो एज राइट टू एजुकेशन था वो छियासी वाह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया द पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ओनली वन आर्टिकल फिफ्टी वन ए स्पेसिफाइज द इलेवन फंडामेंटल राइट ड्यूटी ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटी हैं विज विज क्या होता है नेमली क्या क्या नेम है टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम टू प्रोटेक्ट द सोवरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री टू प्रमोट द स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रोदरहुड भाईचारा अमंग द ऑल पीपल द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इन सो एन प्रिजर्व करना अपने रिच हेरिटेज और कल्चर को अपोजिट कल्चर को द फंडामेंटल ड्यूटीज हाउस एज ए रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट वाइल एन्जॉइंग देर राइट्स दे हैव ऑल्सो बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़ दे ओ टू दे कंट्री मतलब आप फंडामेंटल राइट्स इंजॉय कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी भी बनती है टुअर्ड्स द नेशन दे सोसाइटी एंड देयर फोलो फेलो सिटीजन जो साथ में रहने वाले सिटीजन के लिए नागरिकों के लिए हाव एवर डी पी एस पी द ड्यूटीज़ आर इन नेचर मतलब अगर कोई वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यू कैन नॉट गो रीच अप टू कोर्ट्स फॉर दी लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द और द अबाइडिंग बाई द ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट पे चलते हैं ए सेकुलर स्टेट सेकुलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष स्टेट है अपना कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर ए सेकुलर स्टेट और आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टेट का मतलब आपके कोई स्टेट से नहीं है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं ऐसा कुछ नहीं स्टेट किसको बोला जाता है स्टेट इज एंटिटी दैट हैव लाइक ए स्पेसिफाइड टेरिटरी एंड पर्टिकुलर रिलीजन रूल रेगुलेशन तो स्टेट बोलते कंट्री को संदर्भ में बोला गया है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर सेकुलर स्टेट हैंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन मतलब अपना थियो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है जो कि पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर करैक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट ये प्रोविजन दिखाते हैं कि भाई है अपना सेकुलर स्टेट्स हैं द टर्म सेक्युलर वॉज एडिड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो बयालीस में संविधान संोधन के द्वारा जोड़ी गई थी सेकुलर टर्म प्रियम्बल में अपनी संविधान की प्रस्तावना में द प्रियम्बल स्क्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड लिबर्टी मतलब छूट किसकी खुला किसकी बिलीफ की विश्वास की फेथ की एंड पूजा करने की जो है द सी वन इज द द स्टेट सेल नोट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ तो स्टेट को कोई डिनाई नहीं करना चाहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अंडर आर्टिकल फोर्टीन द स्टेट सेल नोट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन आर्टिकल फिफ्टीन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंप्लॉयमेंट आर्टिकल सिक्सटीन and the article 25 all person are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess practice and propagate any religion article 25 me likha gaya hai ki aap koi bhi dharm apna sakte hain usko profess kar sakte hain practice kar sakte hain propagate kar sakte hain bada sakte hain but conversion it doesn't come under the article 25 तो article 26 के बारे में पढ़ते हैं every religion denomination or any its section shall have the right to manage its religious affair article 26 में लिखा गया है कि अपने religious affairs में aap कंटिन्यू कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं आर्टिकल सत्ताईस में लिखा नो पर्सन शेल बी कम्पेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ़ एनी पर्टिकुलर रिलीजन मतलब किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको पैसे नहीं कोई आप पे टैक्स आर्टिकल ट्वेंटी एट क्या कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट आर्टिकल ट्वेंटी एट मतलब मान लो स्टेट गवर्नमेंट का या मतलब कोई भी गवर्नमेंट का स्कूल है इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर कोई रिलीजियस प्रेयर वगैरह या आपको कंपलसरी फॉलो नहीं करवा सकते एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन सेल द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर मतलब अपना कोई भी स्क्रिप्ट है कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन ये स्पेशल माइनॉरिटी के लिए नहीं है कोई भी मान लो मेजोरिटी भी अपना जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है स्क्रिप्ट है कल्चर को उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं आर्टिकल थर्टी क्या ऑल माइनॉरिटी सेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं आर्टिकल फोटी फोर है यूनिफॉर्म सिविल कोड द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म कोनोट्स मतलब उसमें क्या धारणा होती है ए कम्प्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन चर्च के बीच में और पोलिटिक्स के बीच में दिस नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इन अपलीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज द क्या सम्मिलित हो एम्बॉडीज क्या होता है सम्मिलित होना द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ दिस सेकुलरिज्म गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन equally moreover the constitution has also abolished the old system of communal representation that is reservation of seats in the legislature on the basis of religion however it provides for the temporary reservation of the seats for the scheduled caste and scheduled tribe to ensure adequate representation to them okay friends i think it is enough for today tomorrow we will start from the 12th that universal adult franchise and if you are liking my initiative please share and tell me that where i can improve so that you can make get maximum benefit okay friends bye